जहां हरियाणा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है 19 सितंबर को, संकल्प पत्र जारी किया जा सकता है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 सीटों पर मतदान होने हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने की पूरी तैयारियों में है। तमाम इस घोषणा पत्र के दौरान जनता से वादे किए जाएंगे। हरियाणा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बीजेपी अपना घोषणा पत्र रिलीज कर सकती है 19 सितंबर को, अपना संकल्प पत्र बीजेपी जारी कर सकती है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। शिखा, चुनाव को लेकर के सभी दलों की पूरी तैयारियां देखी जा रही है और अब बीजेपी अपना घोषणा पत्र भी लेके आ सकती है। तमाम बड़े वादे इस घोषणा पत्र के जरिए किए जाएंगे। शिखा जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं घोषणा पत्र जो है वो तैयार हो गया और उम्मीद की जा रही है कि कल ये अपना घोषणा पत्र जो है बीजेपी के द्वारा जारी किया जाएगा। उम्मीद ये भी की जा रही है कि रोहतक में जो स्टेट ऑफिस है वहां पर ये जो संकल्प पत्र जो है वो जारी किया जाएगा और जेपी ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो इसमें शामिल रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 10 साल में जो भी कार्यकाल किए गए हैं उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। कांग्रेस ने अब तक अपना घोषणा पत्र जो है वो रेडी नहीं किया है। कहने का पहले लग रहा था कि शायद कांग्रेस जो है वो पहले कर देंगी, पर अब बीजेपी जो है वो कल तैयार अपना जारी करने जा रही है। बीपीएल परिवारों के लिए जितनी भी घोषणाएं की गई थी 10 साल में मेरिट के बेसिस पर जो नौकरी दी गई है, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, व्यापारी हो, उनके लिए जो भी सारे काम किए गए हैं वो सारी चीजें जो है वो इस घोषणा पत्र में होंगी। और आने वाला जो चुनाव है उसमें कौन कौन से काम जो जनता के लिए किए जाएंगे वो सारे वादे जो है वो उस पत्र में होंगे। शिखा, इस बार के जो घोषणा पत्र में क्या कुछ और खास होने वाला है, क्योंकि खट्टर बदल गए वहां से और नायब सिंह सैनी ने जिम्मेदारी संभाली थी और अब चुनाव भी बेहद करीब। अरे सबसे बड़ी बात है, सबसे कोई जो मेन मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष अगर लगातार सरकार को घेरता है तो वह युवाओं के लिए रोजगार और किसान, कहीं ना कहीं ये दो ऐसे मुद्दे हैं लेकिन जिसको लेकर लगातार कई बार विपक्ष पार्टी जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आती है। तो ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ज्यादा फोकस जो है इस पे दिया जाएगा कि कैसे किस तरह से किसानों को खुश किया जाए और युवाओं के लिए रोजगार जो है वो कहीं ना कहीं और जो है आने वाले समय में बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि कुछ कार्यकर्ता भी जो थे लगातार पार्टी से नाराज कर रहे थे, तो कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह से इस घोषणा पत्र में फोकस किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि और कुछ जो बुजुर्ग है उनकी पेंशन बढ़ाने की उम्मीद जो है की जा रही थी कि क्या उनकी पेंशन जो है इस समय 4500 है, उनकी पेंशन बढ़ती है या नहीं बढ़ती है उसको लेकर उसमें गारंटी होगी, बिजली को लेकर गारंटी होगी। तो ये सारे ऐसे वादे जो है जो जिनकी बात जो है इस घोषणा पत्र में हो सकती है। ठीक है शिखा, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा के भिवानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को जब जरूरत पड़ी उस समय खाद्यान्न के भंडार भरने का काम मेरे हरियाणा के किसानों ने किया है। अभी ओलंपिक और पैरालंपिक हुए, जब भारत का नाम उस तालिका में आता है तो हमारा हरियाणा सबसे ऊपर होता है। हरियाणा ने धाकड़ वीर जवान दिए, धाकड़ खिलाड़ी दिए और पूरे देश की भूख मिटाने के लिए अनाज देने का काम भी हमारे हरियाणा ने ही किया है। भाइयों बहनों, सेना को सशक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी हमारे कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है, राहुल बाबा वहां गए और उमर अब्दुल्ला के साथ समाधान किया। इनका एजेंडा क्या है? हम सारे आतंकवादियों को चुनाव के बाद छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे, हम टेररिज्म के लिए जो प्रतिबंधित संस्थाएं करी है उस पर से प्रतिबंध हटा लेंगे। ए राहुल बाबा, सुन लो हमारी बात, ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, नीचे भी आपकी सरकार नहीं बनी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है कश्मीर के ऊपर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। मित्रों, देख नहीं सकता। मुझे बताओ लोहारू वालों, धारा 370 हटी,
अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये धारा 370 वापिस लाना चाहते हैं हुडा साहब, ये लोहारू वालों पूछ रहे हैं। तो हरियाणा ने धाकड़ वीर जवान दिए, ऐसा अमित शाह ने कहा। आने वाले दिनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, सभी 90 सीटों पर एक चरण में चुनाव होंगे। 5 तारीख को चुनाव और 8 अक्टूबर को मतदान मतगणना की तारीख होगी और 8 तारीख को यह तय हो जाएगा कि हरियाणा की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। और इन सबके बीच नेताओं के दौरे भी लगातार देखे जा रहे हैं। अमित शाह हरियाणा पहुंचे और जनता के बीच उन्होंने तमाम बातें कही हैं। हरियाणा में बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को लेकर के भी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। हरियाणा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। हरियाणा के किसानों पर देश को गर्व है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पूरे देश का पेट भरने का काम हरियाणा की जनता करती है। हरियाणा ने धाकड़ जवान दिए, धाकड़ खिलाड़ियों को दिया। पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। तो अब जब इस तालिका को हम देखते हैं तो सबसे पहले हरियाणा का नाम सामने आता है। तो ये सारी तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही हैं। हरियाणा दौरे पर वो रहे, हरियाणा ने पूरे देश को अनाज दिया। तो ऐसी और भी तमाम बातें इस दौरान उन्होंने जनता से कही और सरकार बनाने के बड़े दावे लगातार देखा जा रहा है कि सभी दलों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अब 5 तारीख को जब मतदान होगा और 8 तारीख को जब मतगणना की जाएगी तो ये स्थिति साफ हो जाएगी कि हरियाणा की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जनता सौंप रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुडा ग्राउंड में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे और इस मौके पर हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल मडौली, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित 6 की 6 विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। आज अमित शाह फरीदाबाद की जनता और बीजेपी नेताओं को विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जीत का मंत्र देंगे, इसको लेकर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। रैली की तैयारियां बीजेपी की तरफ से पूरी की जा चुकी हैं। लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई जा चुकी हैं। तो फरीदाबाद में विशाल रैली को संबोधित अमित शाह करने वाले हैं। तमाम तैयारियां देखी जा रही हैं। बीजेपी प्रत्याशियों को जीत का मंत्र अमित शाह देंगे और ये तमाम तैयारियां 5 अक्टूबर को मतदान है सभी 90 सीटों पर। 5 तारीख को एक ही चरण में मतदान होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को आज अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर झांसा रोड स्थित कालेश्वर महादेव मंदिर में मंगल चंडी यज्ञ और रुद्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के थानेसर से प्रत्याशी सुभाष सुधा ने आहुति दी है। उनके साथ पूरा सुधा परिवार से आए हुए लोगों ने यज्ञ में आहुति दी। इस मौके पर बातचीत करते हुए बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सुधा ने कहा कि देश के ही नहीं पूरे विश्व लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में आज हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के विकास और उन्नति के लिए अधिक प्रयास किया, जिसकी बदौलत आज भारत देश का नेतृत्व कर रहा है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजता है। आज उनका जन्मदिन है, उन्होंने बहुत कुछ देश के लिए किया और आज देश का हर कार्यकर्ता उनके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में मैंने भी यहाँ पर एक पूरे हमारे साथियों ने यहाँ पर एक हमन यज्ञ रखा हुआ था, वहाँ पर पूर्ण होती डाली। उसके बाद यहाँ पर सब संत समाज आया, पूरे कार्यकर्ता आए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत हम यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं और ऐसी बनानी भी चाहिए, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ा देश के लिए कार्य किया। आज मैं कहूँगा यूक्रेन के अंदर जो बच्चे बाहर फंसे हुए थे, किस प्रकार के युद्ध को रोक कर बच्चों को निकालने का काम किया, गरीब आदमी अंत्योदय के लिए कार्य किया, सदर में गैस सेंटर योजना पहुँचाने का काम किया, इस आयुष्मान योजना बच्चों का 5 लाख मेडिकल फ्री करने का किया। अभी पिछले दिनों हमारा सौभाग्य है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस क्षेत्र में आए हुए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा हमें आशीर्वाद दिया कि 70 वर्ष से जो आयु बड़े 70 वर्ष से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए मेडिकल फ्री देने का व्यवस्था किया।
फरीदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा को एक महिला विरोध का सामना करना पड़ा है। घटना संजय कॉलोनी गली नंबर 24 में एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान हुई, जब नीरज शर्मा कार्यक्रम समाप्त करने के बाद वहां से निकलने लगे। महिलाओं का गुस्सा तब फूटा जब उन्होंने देखा कि नीरज शर्मा अपनी बात पूरी कर रहे थे। एक महिला ने गुस्से में कहा कि हम उन्हें क्यों वोट दें, पिछले कई सालों से हम पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके ऑफिस पर जाते हैं तो कभी मिलते नहीं, उनके लोग हमें भगा देते हैं, उन्होंने 5 साल विधायक रहकर क्या किया, आज भी हमें टैंकरों और बाल्टियों से पानी लाना पड़ता है और हमें पानी खरीद कर पीना भी पड़ता है, वे झूठ बोलते हैं कि पानी की कमी है जबकि उनके घरों में 24 घंटे पानी आता है। ये मेरा फैसला है, जो देगी गलत बात है, 7 महीने से वो नहीं झेले, हम लोग झेले हैं, हम लोग ऊपर पानी चढ़ाए, मैं नहीं आती लेकिन बोल रहा 1, 2, 3, 4 और क्या बोला नीरज शर्मा, किस बात का नीरज शर्मा, क्या दिया हम लोग को नीरज शर्मा, खड़ा करो नीरज शर्मा, कौन है वो, खड़ा हो खड़ा सामने नीरज शर्मा को खोज रहा, वोट डालेगा वोट, बोलता है पानी नहीं है, पानी इतना साल से था, आज मुझे पानी नहीं है, क्यों झूठ बोला रहा था, अपने घरों में तो नल चला के नहा रहा होगा, बहू बेटी को दिक्कत नहीं दे रहा होगा, हम लोग को क्यों, हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग जानना चाहते हैं, पूरा गली का लेडीज जानना चाहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी की जीत में हम लोग क्या बिगाड़े थे, हम जनता का क्या दोष था, लेडीज वोट नहीं। फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी लगातार विधानसभा चुनाव में जीतने को लेकर हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। जनता के बीच चुनाव प्रचार के साथ साथ जनसंवाद कार्यक्रम भी कर रहे हैं और जनता का प्यार और समर्थन भी हासिल कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा पूरे इलाके में चुनाव को लेकर धमक बनाए हुए हैं। टेकचंद शर्मा ने प्रथला विधानसभा क्षेत्र के सीकरी, शाहपुर, खुर्द और कैली गाँव में डोर टू डोर कार्यक्रम कर जनता का प्यार और समर्थन भी हासिल किया। कार्यक्रम के बीच टेकचंद शर्मा का फूलमाला के साथ स्वागत किया गया तो कई मौजूद लोगों ने उनके सिर पर हाथ रख उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद और समर्थन भी दिया है। तो लगातार जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं हरियाणा में चुनाव में, इसे लेकर के तमाम तैयारियां, और उन्होंने कहा कि अब की बार प्रथला में कमल खिलेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में टेकचंद शर्मा जुटे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर तमाम जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव की तारीख करीब आ रही है वैसे ही हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं और इस बार हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। थानेसर में अभी 4 पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी से सुभाष सुधा, इनेलो पार्टी से तनुजा और कांग्रेस ने अशोक अरोड़ा को उम्मीदवार के रूप में उतारा। वहीं आम आदमी पार्टी ने कृष्ण बजाज थानेसर पर अपना भरोसा जताया है। लगातार चारों उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। थानेसर और लाडवा दोनों हॉट सीट के रूप में देखे जा रहे हैं। वहीं थानेसर विधानसभा चुनाव को लेकर जनतंत्र की टीम ने जनता से बातचीत की है, देखिए। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को देखकर जो है जनता वोट करने वाली है। जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, थानेसर के जो है चुनाव नजदीक है विधानसभा के, ऐसे में किन मुद्दों को देखकर आप वोट करेंगे? देखिए मुद्दे तो जनता जनार्दन सभी कुछ जानती है कि मार्केट में भी बाजार में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या है। अब कुरुक्षेत्र को तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विकास के मामले में बहुत पीछे आ गया है कुरुक्षेत्र में। तो ये लोग कहते हैं कि हमने 10 साल में बहुत विकास किया, मगर मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि झूठ का प्रचार आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कर रहे हो। विकास विकास विकास, लोगों ने इस नाम से खुंद खाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों का नाम भी विकास नाम रखना उन्होंने बंद कर दिया। वो इसलिए बंद कर दिया कि विकास के, तो आप देखो मैं जा करके, आप सर्किट हाउस के पास देखो, पुल के ऊपर देखो, जानसा रोड देखो, सड़कें ही नहीं है वहाँ, पानी के गड्ढे भरे पड़े हैं। आप लोग गुरुद्वारे के पास देखो। हमारे साथ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी टीनू जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल देख रहे हैं इस बार? माहौल इस पर एक तरफ है, बदलाव है, जनता मन से बदलाव को मान चुकी है, आम जनता बदलाव चाहती है इस समय। क्या कारण है बदलाव का, जो बड़े बड़े दावे कर रही है बीजेपी सरकार, तो बहुत विकास हुआ है। दावे जनता के मन में या धरातल पर कोई दावा नहीं है, दावे हैं सिर्फ इनके सोशल मीडिया पर, जो इन्हीं के अपने प्लेटफॉर्म है।
दावे आप आके देखिए कि अभी कुरुक्षेत्र में आप खड़े हैं, आप हमारे बाजार में आइए, 5 मिनट की बारिश होती है, अगर आपको 2 फुट अपनी पैंट ऊपर करके ना निकलना पड़े तो बताइएगा। यहाँ पर गर्ल स्कूल है 6ठी से 12वीं तक का, बारिश अगर हो जाती है लड़कियाँ जब दोपहर को निकलती है ना, हम मार्केट वालों को शर्मिंदगी होती है कि इतने गंदे पानी में से, सीवरेज के पानी में से, यहाँ छोटे बाजार चौक से लेकर रोटरी चौक तक 2-2 फुट पानी 5 मिनट की बारिश के अंदर खड़ा होता है। हरियाणा में थानेसर और लाडवा सीट जो है हॉट सीट के रूप में देखी जा रही है, ऐसे में हमने लोगों से बातचीत की, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है कि किन मुद्दों को देखकर जो है इस बार वो जनता वोट करेगी? सर क्या लगता है? सर नमस्कार। हाँ जी सर, मुद्दा अच्छा है, हरियाणा में माहौल भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन जैसे कि बीजेपी सरकार है, आयुष्मान कार्ड वगैरह बनाए गए हैं और लोन वगैरह की सुविधाएं भी है, अच्छे से काम कर रही है, नायब सिंह सैनी का बहुत अच्छा रहा है माहौल और अच्छे से उम्मीद है, मतलब काफ़ी अच्छे उसमें जा सकते हैं बीजेपी। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जैसे कि रोजगार, रोजगार बहुत कम है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहरली कंट्रियों में जा रहे हैं, घर बार छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, रोजगार में थोड़ी कमी है, पर वैसे बीजेपी ठीक है, बाकी अपना माहौल कांग्रेस का भी अच्छा है। थानेसर में क्या लगता है, कैसा माहौल है, टक्कर कैसी देखते हैं? टक्कर अच्छी है, सुधा जी बहुत अच्छे बंदे हैं और अरोड़ा जी बहुत खास हैं, अरोड़ा जी का भी नाम अच्छा है, काम अच्छा है और सुधा जी का भी काम अच्छा है, नाम अच्छा है। कैसा माहौल देख रहे हैं इस बार? माहौल ऐसा देखा जी, यहाँ कुरुक्षेत्र का कैंडिडेट है जो बीजेपी का और कांग्रेस का, कांग्रेस की जीत होगी, यहाँ 100 करोड़ जीत रहा, 20,000 वोटों से जीत रहा। क्या कारण है भाजपा सरकार? कारण ये है, इनके जो भी भाजपा सरकार ना वादे करे सभी झूठे निकले सारे के सारे, इस करका कांग्रेस का कैंडिडेट है जो वो जीत पा खड़ा, 20,000 की जीत पा खड़ा, कोई फिर ने टूटने की जरूरत नहीं है, और ताड़ी पिटो लड्डू खोर मौज करो। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा ताऊ को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जय पिट्ठी जो पिट्ठी सिंह ने कहा है, जो भी कहा है सत्ता बोल जाए हो, मैं उसके वर्डिंग की तारीफ करता हूँ। भाजपा सरकार दावा करिए, भाजपा ने कुछ नहीं करा, कोई कांग्रेस करेगी जो कुछ करेगी, कांग्रेस सरकार का 10-20 पॉइंट है। थानेसर का क्या मुद्दे है, किन मुद्दों को देखकर जो है आपकी बार वोट करेंगे आप? वही ऐसा है, थानेसर के मुद्दे से जोड़ से हम हमारा मुद्दा तो युवा है, हम तो जोड़ से बड़ा नहीं, पार्टी वाले किसी पार्टी के भी हो जाए एक का नहीं है, पिलसना 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 पिलसना, हम तो देश का गाल कर दिया हमारा, मैं तो नुकू रहता है। और कांग्रेस तो बनेगी 20,000 से बनी खड़ी, इस तरह से सीट एक तरफा मुकाबला या टक्कर देखते हैं? टक्कर टुक्कर कुछ नहीं है, मुकाबला नहीं है, 200 लड़े हैं, क्या बताओ जीतिया पड़ जाए कांग्रेस जीतती पड़ जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर के हमने थानेसर विधानसभा की जनता से बातचीत की, लोगों के अपने अपने मत थे, अपने अपने राय थी, कोई किसी नेता को पसंद करता है तो कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल कुरुक्षेत्र से जनता टीवी के लिए प्रजन गोड़ की रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पर हमला बोला और कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी बौखलाहट के कारण आए दिन अनर्गल बचकानी हरकत करते हैं और अपशब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। हरियाणा के सीएम पर कैथल के बीजेपी प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर का असर हो गया है। मैं हरियाणा के सीएम के लिए प्रार्थना करूँगा कि परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दें। बहुत बौखलाए हुए और आए दिन अनर्गल बचकानी और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, मुझे लगता है उन पर भाई लीलाराम का असर हो गया है कहीं ना कहीं। तो मैं उनको सिर्फ प्रार्थना करूंगा उनके लिए, खाटू श्याम जी, शिव जी, हनुमान जी की धरती पे, के परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे। मैंने इसका पहले ही जवाब दे दिया, अब दोबारा उसके आदरणीय साथी, लोग जिसको चुनेंगे लोग भगवान है, और जो लोगों के निर्णय का अनादर करेगा वो भगवान का अपमान कर रहा है, ये उन्हें जानना चाहिए। लोगों का फैसला है कि वो किसको चुने, वो बहुत। तो रणदीप सुरजेवाला का सीएम सैनी पर हमला देखा गया, उन्होंने तमाम तरह की बातें की हैं, तमाम आरोप लगाया और कहा कि सीएम सैनी में हार की बौखलाहट साफ देखी जा रही है। बीजेपी की विदाई का समय नजदीक आ गया, तो ये सारी बातें रणदीप सुरजेवाला ने कही है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां आप खबर सोनीपत से है। यहां भ्रूण हत्या के काले कारोबार का खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की तो खुलासा हुआ कि रुपयों के लालच में गैर कानूनी रूप से सोनीपत में नांगलोई क्षेत्र में महिलाओं को ले जाकर उनके भ्रूण की जाँच की जा रही थी, जहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर भ्रूण जाँच करते हुए दो आरोपियों को दबोचा है। PNDT अधिकारी डॉक्टर सुमित ने बताया कि आरोपी के घर से दो पोर्टेबल मशीन और काफी मात्रा में MTP बरामद की गई और महिला द्वारा दिए गए 40,000 रुपए कैश भी बरामद की गई। भ्रूण की जांच करने का काम नांगलोई में नवीन और भानवती नाम की महिला चला रही थी, जिन पर कार्रवाई की गई है। तो पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोनीपत में भ्रूण हत्या का यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर यह काला कारोबार चल रहा था। भ्रूण हत्या के काले कारोबार का खुलासा, जिसके लिए आज हमने एक मिथ्या ग्राहक जो है उसको तैयार किया और उस महिला के कहने के अनुसार हम उसको निहाल विहार नांगलोई के इलाके में हम इसको लेके आए और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने जो दिल्ली की हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो DM साहिबा हैं, उनको भी हमने इन्फॉर्म कर दिया था इस रेड के बारे में। तो जो हमारी मिथ्या ग्राहक है वो वहाँ पर पहुँचती है और उसे जो है 40,000 रुपये लेने उपरांत उसका जो है अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसके भ्रूण में जो है लड़का होना बताया जाता है। उसके बाद जैसे वो महिला हमारी मिथ्या ग्राहक बाहर निकलती है, वो हमें इशारा देती है, जो हमारी संयुक्त टीम है वो अंदर जाती है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र TV के साथ। नमस्कार।